चलो सुमन जी दरवाजा खोलिए प्लीज। सीरियल सुमन इंदौरी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां चंद्रकांत की दुकान को जलाने की हुई साजिश और दिखा सुमन का दबोग अवतार। ओके ए ओके गुरु वो रोशनदान तोड़ो, सबको बाहर निकालो। जी हाँ, सीरियल सुमन इंदौरी के आगामी एपिसोड में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां चंद्रकांत जी की दुकान की नमकीन खाने से कुछ लोग बीमार हो गए, वहीं इस मुद्दे ने गुस्साए भीड़ को उकसाकर हंगामे की स्थिति पैदा कर दी। दुकान के बाहर बेकाबू भीड़ आगजनी के लिए तैयार खड़ी थी। दूसरी ओर दुकान के अंदर चंद्रकांत, तीरथ और सुमन मौजूद थे। सुमन की मां ने जब ये खतरा भांपा तो वह तुरंत दौड़कर दुकान पहुंची। क्या माँ? क्या वालों को? तीरथ ने शटर उठाकर उन्हें अंदर लिया और उन्होंने सबको आगाह किया कि बाहर का माहौल बेहद खतरनाक हो चुका है। बाहर खान उखाड़ देंगे तेरी। अखिल गुरु शटर बंद करो। पापा मुझे एकदम जोश में होश नहीं खोते बेटा। देखो धंधे पे दाग लग गया है। मैं अपनी औलाद में वहां जाने नहीं दूंगा। पापा अगर कुछ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम चुपके अंदर नहीं बैठ सकते ना। तीर्थ चुप रहो। आवाज आ रही, ठुकनी आवाज आ रही है बिल्डअप। लेकिन कहानी में असली धमाका तब हुआ जब सुमन ने डरने के बजाय बहादुरी दिखाई। वह खुद बाहर आई और दिखाया अपना दबंग अवतार। बहुत बड़ी गलती कर दी है बाहर। सुमन ने पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुलशन ने अपनी चाल चल दी। उसने भीड़ को और भड़काते हुए दुकान को जलाने की उकसाहट दी। सुमन जी दरवाजा खोलिए प्लीज। सुमन जी मुझे पता है तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। मेरी सराफा परिवार को भड़का रहा है मेरे खिलाफ। लेकिन तू शायद भूल गया कि सुमन इंदौरी का परिवार ठीक है, और ये इतनी आसानी से मेरे खिलाफ भड़केंगे नहीं। तुझे 100 बार समझाया है मैंने, लेकिन तू समझने को ही रेडी नहीं है। तुझे लगता है तेरे जैसे गंदा दिमाग हर किसी का है क्या? आज तो तू नहीं बचे। अरे बोलो बस। एक सेकंड सब शांत हो जाइए। पहले शांति से बात सुनने की तो बात हो पाई। ए कौन सी शांति, कैसी शांति? हम क्यों शांति रखे? यहाँ पे कोई शांति का ज्ञान सुनने नहीं आया, समझी? आ दुकान को आज लगा दो अभी, और जो कोई भी अंदर छुप के बैठा है ना, या तो हमारे सामने आ जाए और अपनी शक्ल दिखाए, वरना सीधा जाके भगवान को शक्ल दिखाए अपनी। चलो चलो लगा दो आप, लगा दो आप इसको, आप लगा दो। इस पर सुमन ने गुस्से में गुलशन के हाथ से जलती हुई मशाल छीन ली और उसे जमीन पर पटक दिया। सुमन के इस साहसिक कदम को देख गुलशन और पूरी भीड़ सहम गई। पीछे देखना, चलो दूर, सब दूर। पीछे वाले भाई लोग आगे चलो। रुक जाइए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप सबकी बेइज्जती की तरह हूँ, मैं कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। वहीं कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब सुमन ने सबको चौंकाते हुए अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए सारी गलती अपने सिर ले ली। सुमन बहादुर है, वो स्टार्टिंग से बहादुर है, इस बार वो थोड़ा वैसे बहादुर दिख रही है। सारा इल्जाम सुमन ने अपने ऊपर ले लिया, जबकि सुमन की गलती भी नहीं। राइट, आई गेस सुमन का वैसे ही कैरेक्टर है कि वो अपने लव्ड वंस को हमेशा प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो खुद पे ही ब्लेम क्यों ना लेना पड़े। सो शी वुड ऑलवेज मेक श्योर कि वो अपने परिवार का ध्यान रख रही है, उनके सामने एक ढाल बनकर खड़ी हुई है। तो आज जो मशाल उठाया है, इस मशाल की चिंगारी कहां तक पहुंचेगी? काफी हद तक पहुंचेगी, क्योंकि बाद में ये रियलाइज करती है कि ये जिनको मैं प्रोटेक्ट कर रही थी उनमें से ही किसी ने ये जाल बिछाया था, एक स्ट्रैटेजी बनाई थी मुझे फंसाने के लिए। एंड आगे वो कैसे हमेशा की तरह अपना पॉइंट प्रूव करेगी एंड सिचुएशन को कैसे पलटेगी एंड सच सबके सामने लाएगी, दैट्स व्हाट यू विल गेट टू सी। जब जब सुमन ऐसा कुछ कदम उठाती है ना, फैंस एकदम
ओ यस, दबंग सुमन इज बैक इन हर अवतार एंड आई एम श्योर ये सीक्वेंस काफी लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि आगे काफी, ये तो छोटा सा था, आगे एक्शन है, काफी है, आग है, सो इट्स गोना बी अ फन वॉच. सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए एक बार. काका, मैं जानती हूँ मैं हॉस्पिटल में है, बीमार है, लेकिन इसमें मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है. आप बस प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए. सुमन, गलती मेरे ससुराल वालों की नहीं है. सुमन, आज तो फैसला करना पड़ेगा. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सब के पीछे तो कोई और है. हाँ, जो जिसके जिसे आप पूरा गुनहगार मानते हैं वही आज ढाल बनकर सामने आ रही हैं और आज खुद मसाले पकड़ने वाली हैं. वो जब देखेंगे आप सुमन को ऐसा करते. नहीं, मैं नहीं पिघल रहा हूँ ना. मैंने वो स्टेटमेंट भी दिया है कि ये जो है, ये जो आए हैं गुंडे, ये इसके परिवार के लोग हैं, वही निपटेगी. उसने गलती की है वही निपटेगी. मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, ये घर नहीं आएगी मेरे. बट आपको कहीं से भी शक नहीं हो क्योंकि शक अभी तक रिवील नहीं हुआ है. अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ है. आगे वो सुमन बोलती है, पापा जी मैं इस मसले के जड़ तक जाऊँगी और असली कल्प्रिट जो है उसको बाहर निकालूंगी. अब देखते हैं, वो तो जो सुमन के साथ हुआ है और वही उसके साथ भी होगा कल्प्रिट के साथ. मैं किसी को बख्शूंगा नहीं. फिलहाल अभी जो पूरा जो सीन था, कितना आपको पर्सनली अच्छा लग रहा था? क्योंकि सीन तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन जगह बहुत कंजेस्टेड है ना. जगह बहुत कंजेस्टेड है और कम से कम मेरे ख्याल से 8 से 9 आर्टिस्ट हैं वहाँ पे, 3 कैमरा हैं. तो आप ही सोच सकते हैं कितना, मतलब कैसे शूट कर रहे हैं आप, ऊपर से गर्मी और ये सूट वूट पहन के. वेल, अब सवाल यह उठता है, क्या सुमन का ये बलिदान चंद्रकांत जी की प्रतिष्ठा बचा पाएगा? क्या गुलशन और देविका की साजिश का पर्दाफाश होगा?